नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी का काला करतूत सामने आया। जी हां दोस्तों, सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती से जेल में ही पुलिस अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा करवा दिया है। आखिर ये बड़ा खुलासा क्या है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बताया जा रहा पुलिस अधिकारी के द्वारा कि जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ किया गया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस कमरे में क्या सब होता था, तब जाके रिया चक्रवर्ती ने एक घिनौना बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के द्वारा कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देकर हर रोज सुला दिया जाता था। उसके बाद रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी दोनों के साथ बहुत ही गंदी कामें होता था। आखिर इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप था या इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन था जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देकर सुलाया जाता था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये दोनों अपना गेम शुरू कर देता था। ये बड़ी खबर बड़ा बात सामने आया है। मैं आपको बता दूं, इस तरह से गंदी करतूत करने वाली रिया चक्रवर्ती जो कि फिलहाल जेल में तो है, लेकिन अब बड़ा बड़ा खुलासा जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से पहले सुशांत सिंह राजपूत पर उंगलियां उठाया था, अब कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी के साथ रिया चक्रवर्ती फंसती जा रही है। बताया जा रहा है एनसीबी टीम के द्वारा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती तो सबसे बड़ी गुनहगार थी, लेकिन सबसे बड़ी फ्रॉड भी बन चुकी है। क्योंकि जिस तरह से 2017 में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के साथ कुछ गंदा संबंध था, जिसको लेकर काफी खबरें आई थी, काफी सोशल मीडिया पे ये बातें चली थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का ये गंदा रूप सामने आया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती का ये बड़ा खुलासा गंदी करतूते सामने आ ही गया। मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिर्फ वो नाटक कर रही थी प्यार का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जितना भी संपत्ति था, जितना भी पैसा था, वो सारा का सारा हड़पने वाली थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद दूसरी तरफ वो दूसरे लोगों के साथ कई तरह का संबंध बनाना शुरू कर दी थी। मैं आपको बता दूं, ऐसी घिनौनी लड़की इस तरह से रिया चक्रवर्ती जो कर रही थी, अब कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम और पुलिस अधिकारी इनको तो सजा दे ही दिया। कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया कि रिया चक्रवर्ती को तकरीबन 10 से 20 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत मामले के साथ साथ ड्रग मामला और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती का ये गंदा काली करतूते सामने आया, जिसको लेकर कोर्ट ने इन्हें एक बड़ा फैसला सुना दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की गंदी लड़कियों के साथ, इस तरह के नेपोटिज्म गर्ल्स के साथ क्या करना चाहिए, क्या इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।